गाली पर तो फोन दे रहा है। आपका नाम क्या है मैम? हेलो क्या करना है? हेलो मैम, क्या करना है? काइली क्या सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ ठीक है, क्या नाम? एक्सक्यूज मी सर। जी काइली मैकगॉयर। ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं कम आवाज में और डिस्टर्ब कर रहे सर और गालियां दे रहे सर। डियर सर आप कुछ बोल दीजिए ना, डिज मैनर क्यों शो कर रहे हैं ये लोग? मुझे लगता है ये लोग क्लाइंट के दोस्त है। हाँ सर, मैं जिस बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे कोई भी मेरा पार्टी नहीं है, मैं बस अपने क्लाइंट होकर बात कर रहा हूँ और मैं सिर्फ दो एविडेंस है मेरे पास, वो है ऑफिसर मतलब EMS गुलाटी और बजट बॉस। बाकी सर ये लोग तो खुद आए हैं, इनका इशू होगा कोई LSPD के डिपार्टमेंट के साथ, इसलिए सर वो लोग आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपने बात शुरू करता हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डियर सर, माई फ्रेंड अगेंस्ट लॉयर जो भी बोला है उसमें 50% ट्रूथ था, 50% उनका इमेजिनेशन था, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू से मेरा जो क्लाइंट है मिस्टर हबी, PDM मैनेजर, तो वो अपने काम से बहुत सिंसियर है। वो PDM मैनेजर नहीं, PDM रिक्रूट है सर। आप थोड़ा सा बात कर लीजिए अपने क्लाइंट से, आई थिंक यू आर कंफ्यूज। हाँ मैं वो रैंक पुल नहीं करना चाहता, उनका जो बेसिक काम है PDM को सुरक्षित रखना, उसका सर्विस प्रोवाइड करना, वही उसका काम है। तो मेरा क्लाइंट अपने काम पे सिंसियर है, तो कोई भी कस्टमर आज तक उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं किया कि उसने खराब गाड़ी दिया है और टेस्ट ड्राइव ठीक से नहीं दिया। तो मैं जो बोलना चाहूँगा, लाइक नॉर्मल डेज वो खुद का काम कर रहे थे, तो उनके पास ये जो है मिस्टर लवेश, उन्होंने आए थे, उसके साथ एक और भी था जो मेरा फ्रेंड अगेंस्ट लॉयर स्किप कर गए, मुझे नहीं पता क्यों किया लेकिन स्किप कर गया। तो जो है वो और उनके फ्रेंड आए, तो उन्होंने बोला एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है। तो उन्होंने PDM जो है वर्कर से परमिशन लिया टेस्ट ड्राइव का, तो वो तीन एक साथ उस गाड़ी में बैठे और चलाने शुरू कर दिए। तो पहले शुरुआत में अच्छा ही था, लेकिन जब क्यू मॉडल के पास गए तब वो मिस्टर लवेश गाड़ी से उतरा। एंड यू नो PDM में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो काम के जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो टेस्ट ड्राइव के पहले 3 मिनट का जो टाइम लैप्स है ये मेंशन करना भूल गए थे मेरा क्लाइंट, तो ये कोई बात नहीं है। तो ऑब्जेक्शन अलाउड, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो मेरा जो क्लाइंट है PDM वर्कर, उन्होंने उनको याद दिलाया कि सर 3 मिनट ख़त्म हो गए। तो मिस्टर लवेश ने बोला कि मुझे तो पता नहीं था, वो बिल्कुल लॉजिकल है। हाँ तो मेरे क्लाइंट उन्होंने से माफ़ी मांगा, तो बोला कि 3 मिनट के ज़्यादा मैं ब्रेक नहीं सकता, आप जो भी बोलो। तो मिस्टर लवेश ने उसके बाद टाइम किल करना शुरू कर दिया, उनको बहुत बार स्टॉल करने की कोशिश की, जो मुझे ये देखना है वो देखना है। और पीछे एक लोग, एक जो उनके दोस्त है वो पहले से बैठा हुआ था, तो मेरा जो क्लाइंट है उनको शक हो गया, क्योंकि ये इंसिडेंट नॉर्मल है कि ज़्यादातर PDM का टेस्ट ड्राइव कार लेकर लोग इलीगल काम पे इन्वॉल्व हो रहे। तो मेरा क्लाइंट को शक हुआ, तो उन्होंने बोला कि आपको जो भी बात करना है मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको भरवाई दूंगा, आपको जो नुकसान हुआ है जो टेस्ट ड्राइव के आपने चार्जेस दिए थे मैं आपको लौटा दूंगा, बट आप PDM में चलो, इधर मुझे बात नहीं करना। लेकिन मिस्टर लवेश ने टाइम स्टॉल करना कंटिन्यूस रखा, वो बात नहीं माने, वो उतर कर गाड़ी के सामने आ गया कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो तभी आसपास एनवायरनमेंट बहुत वार्म हो रहा था, तो मेरा क्लाइंट को जो डाउट था वो और भी स्ट्रांग हो गया, तो वो गाड़ी लेकर लवेश जी को बोला आप PDM पे आओ, मैं PDM चल रहा हूँ। तो जब भी वो गाड़ी लेकर आ रहे थे रेड सिग्नल पे रुके, तो पीछे जो बैठा था मेरा क्लाइंट तो एक्साइटेड था, क्योंकि जो सिचुएशन था उनको जो शक था उसके लिए वो बहुत डर गए थे कि उसके साथ भी ये ना हो जाए। तो पीछे जो बैठा था उसके बारे में भूल गया, तो जब भी उन्होंने रेड सिग्नल पे गाड़ी
बाहर आ गया एंड उसके साथ एक और आदमी पीछे से आया, फॉलो करके आया एंड मेरे क्लाइंट को गन पॉइंट किया। तो यही हुआ था, उसके बाद ही ये उनका गाड़ी छीन ले गया था, उसके बाद वो पीडी में जाके कंप्लेन किया। ओके, मैं यही बोलना चाहूंगा। सर मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या? यस प्लीज प्रोसीड। सर आप डीओजे हैं, आपको भी पता होगा और मैं लर्नेड पेंट को भी ये चीज पता होना चाहिए कि अनटिल प्रूवन एवरीवन इज नॉट गिल्टी, ठीक है? तो अगर एविडेंस, ये अदालत एविडेंस पे भरोसा करता है, मेरे पास एविडेंस है, मैं उनको बुलाऊंगा, उनकी लिए बात बोलूंगा। और एडिशनली मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो पीडीएम वर्कर है ना, ये कभी तो 3 मिनट का टाइम बोलना भूल जाता है और कभी तो ये भूल जाता है कि पीछे कोई बंदा भी बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा कि सर ये इनको जॉब ये लायक है उनके, क्योंकि हमारे शहर में और भी बहुत काबिल आदमियाँ हैं, हमारे एल एस पी में बहुत सारे काबिल है, वो इनका मैनेजर तय करेंगे सर, ये आप नहीं बता सकते उनको, ये उनका राइट्स है। ठीक है, तो आपको जो कहना है वो कहिए सर। हाँ तो सर मैं अपने क्लाइंट को बुलाना चाहूँगा। ओके प्रोसीड। आइए बुक पे हाथ रख के बोलिए, आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। पीछे पीछे पीछे। हाँ ठीक। हाँ तो सर थोड़ा चिल्ला के बात करना, आवाज नहीं आ रहा है उनका। हाँ अभी आ रहा है। हाँ ठीक है। तो सर मैं लड़की ड्रग सेलिंग का काम करती हूँ मुझे लग रहा है। जिस दौरान आप पीडी पे गए थे, ठीक है, वहाँ का माहौल थोड़ा क्या हो रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? मतलब पीडी आपको लग रहा है कि थोड़ा पार्शियलिटी कर रहा था पीडीएम वर्कर के साथ? यस 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 सर, वो देखिए हम गरीब है सर, हम ऐसे छोटे कपड़े में गए थे जैसे है अभी, ठीक है, हमारे पास ज्यादा भी कपड़े नहीं है और वो कोट वगैरह पहन के आए, गॉगल वगैरह पहन के गए थे पूरा। तो सर पूरा मतलब ट्रीटमेंट दे रहे जा रहे थे और हम कुछ बोल रहे थे सर, उनकी बात सुन रहे थे, हमको भगा रहे थे और बात ऐसे हुई थी कि किसने चुराए वो हमको नहीं पता सर। और ये जो बोल रहे थे कि जो बंदा था मेरे साथ वो पीडीएम से, ऐसा कुछ नहीं था, पीडीएम से हम दोनों ही निकले थे और कोई भी नहीं था पीछे, ठीक है। और इनकी जो गाड़ी चोरी हुई वो सिग्नल के आगे में देखा, एक बंदा आया इनकी गाड़ी के सामने रुका, इनको गन पॉइंट किया और इनको गन पॉइंट, ये उतरे गाड़ी से और चाबी लेके भाग गया और वो फिर उसके जो 3-4 बंदे थे उन्होंने मेरे को भी लूट लिया, ठीक है सर। और इन ये जो है ना ये इन्होंने ये क्या करते हैं कि फिर हमको बोलते हैं कि हमको कॉल करते हैं, क्योंकि जब भी टेस्ट ड्राइव के लिए लेते हैं ना गाड़ी तो नंबर वगैरह नोट कर लेते हैं, मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि तुमने गाड़ी ले ली, हम भगवान को बोले ये करे वो करे, उनको लात पड़ेगी, ये सब बोल रहे थे। भगवान क्या होता है सर? क्या पता सर, बोल रहे कि हम तुम्हारा ये मतलब क्या बोलते हैं मंदिर में जाके तुम्हारा घंटा बजाएंगे, ये करेंगे भगवान को तुम्हारे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बोल रहे, ठीक है। ये हमने चुप बैठे इधर कुछ बोले नहीं। आज सुबह की बात है, सुबह से 4 कॉल कर रहे, 4 कॉल पे धमकी दे रहे। और हमारा दोस्त है वो ऐसे मतलब टीवी पे ऐसा टीवी मतलब वो न्यू वेजल न्यूज में, तो टीवी ऐसा ये करता रहता है वीडियो रिकॉर्डिंग, तो आज कर रहा था और हम उसको ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है करके, तो लाल टीवी पे उसके, तो वो देख के आते हमको बोलते है तुमने इतना कंपनसेशन ले रहे हो, ये ले रहे हो वो ले रहे हो सर, ये ऐसा कर रही है सर। एक सेकंड जस्ट सर, साढ़े तीन जरा अपना लॉयर सर साढ़े तीन जरा हाँ, ये जो है ना वाइट पिन ये सब बता रहे हैं, इधर बताने की चीज नहीं सर, ये सब इधर मेरे को आके बता रहे, 4 बार कॉल किया, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है और मेरे को कल से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं सर। और क्या बताओ सर, पुलिस का मैं क्या है कि पुलिस के खिलाफ, क्योंकि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, हमारा केस हमने कुछ किया नहीं सर, और हम गरीब पे ऊपर से मेरे जो पैसे चोरी हो गए इनके कारण, वो अलग बताओ हमको, इन्होंने किसने भी 3 मिनट का रहता है ना तो इतना घुमाता रहे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताया नहीं और हमसे पैसे लेके सीधा बोले ट्रीट ड्राइव करो, ठीक है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इसके लालच था कि क्या था पता नहीं सर। ऑब्जेक्शन सर, सर हम बोलना था बोल रहे हैं ना, थोड़ी हमारी एक मिनट कोई ना बोल लो बोल लो, लॉयर बोल रहे हैं, उनको बोल लो टटक ले बोल लो हां। ओके आप बोलिए आप जो बोलना था। और सर हमको पुलिस वाले भी कुछ कोऑपरेट नहीं किया हमको, सब किसने भी नहीं किया, और हमको एक दो मुकेश हुआ सर ने, कौन कौन पुलिस वाले थे नाम लेंगे आप? हम 3 नागराज ऑफिसर मेन थे इनमें, तभी हमने पूछा इनको बड़े कौन ऑफिसर है, तो उन्होंने बोला सीनियर ट्रूपर नागराज है करके, ठीक है। फिर और शिवा सर थे और अपना ये थे एवन सर थे, ठीक है। एवन सर बाद में आए थे,
A1 सर का क्या हुआ कि जब हमारे लॉयर ने बोला कि एक रूम चाहिए करके बात करने के लिए, तो हमको दोनों को भगा दिया गया धक्का मार के पीडी से। और जो शिवा सर थे उन्होंने मेरे को एक मुक्का मारा था आग पे, वो उन्होंने बाद में बोल दिया सॉरी, पर सर सॉरी से थोड़ी कुछ हो जाता है, मतलब पेन तो पेन ही रहता है ना। उन्होंने बैंडेज दे दिया पर पेन तो रहता ही है सर, वो आप भी तलक मुझे पेन है। उन्होंने मुक्का मारा, उन्होंने सॉरी बोल दिया, ओके ठीक है। एंड सर जो A1 सर थे उन्होंने हमको धक्का मारा, और नागराज सर जो थे वो हमारा सुनने को तैयार ही नहीं थे, वो इनका ही सुन रहे थे। ये कैसे कोट पैंट पर वगैरह पीडीएम के जो कपड़े एकदम एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बड़ी गाड़ी लेके आए, सब बात किया तो सर उनका ही सुन रहे थे, हम गरीब का कोई सुन रहा नहीं था। इतना हमने एक एक पैसा काम गार्बेज की जॉब की सब जॉब करके हमने पैसा जमा किया, वो इन्होंने पूरा ये कर दिया। एंड सर आई लाइक टू ऐड कि ये मामला से मतलब गरीब बड़े को साथ ही नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे मैकेनिक सर भी आएंगे कुछ देर बाद, EMS के डॉक्टर गुलाटी भी है सर, उन्होंने भी हमें शिकायत किया था कि पुलिस को अगर काम के लिए बुलाया जाए ना कभी तो कभी नहीं आते, लेकिन अगर वो मतलब गोलगप्पा हो या फिर बेवजह मारपीट हो तो वहाँ पे पुलिस सबसे पहले नज़र आते हैं सर। और मेरा तो ये भी कहना सर, आपने आज पहले आज खुद ही एग्जांपल देख लिया था, अगर मतलब नोटिफिकेशन जाता है DOJ से कि पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकता कोई केस में, आपको आना पड़ेगा हियरिंग के लिए, तो सर मुझको नहीं लग रहा कि आपको नहीं लगता कि मतलब ये थोड़ा मतलब आपको डिसओबे कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट पंक्चुअल ऑन टाइम। एक एलएसपी ऑफिसर को तो ऑलवेज पंक्चुअल होना चाहिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन, ओके, क्या बोलना चाहता है सर? ये सब क्या बात कर रहे हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है उनके अगेंस्ट पे उस पे बात नहीं करके पुलिस के थ्रू। वहां पे मैंने एलएसपी को मेंशन किया था कि उनका जो ये सब आपका मन में जो भी आ रहा है वो ही बोल रहे हैं, आपके पास प्रूफ है क्या पुलिस ये करते हैं? आपने सर डॉक्यूमेंट देखा है क्या? नहीं करते डॉक्यूमेंट्स तो देखा है। ठीक है मेरे पास प्रूफ है सर, प्रूफ है। क्या प्रूफ है? पुलिस आपका काम अटेंड नहीं करते। जैसे कि मेरा एक और एविडेंस था वो बजट बॉस, ठीक है, कल जब वो मेरे साथ गए थे पीडी पे, वो एविडेंस थे कि पुलिस अपने अंदर ही मतलब मारपीट कर रहे थे, और पुलिस को जब ये बात पता चला कि वो एविडेंस देंगे हमारे लिए, उनके जो एक व्हीकल था वो इलीगल तरीके से सीज किया गया है, ठीक है, और मैंने पीठ बाबा बोल के एक ऑफिसर ओके इसमें हम आएंगे थोड़ी देर, डिफरेंट केस है वो, डिफरेंट केस है एक्चुअली। तो मेन केस जो था कि पीडीएम का जो सेल्समैन हैं उन्होंने आपके साथ आपके क्लाइंट के साथ बदतमीजी से बात की एंड बीच रास्ते में उनको झूठा इल्जाम लगाया, ऊपर सुबह से हमको टॉर्चर कर रहे हैं, और अभी मेरे को कुछ मिनट पहले कुछ गुंडे भेजे थे मारने के लिए, उधर से मैं कैसे तो बचाऊं सर, वो मारने के लिए गुंडे भेजे थे। मारने के लिए आपको गुंडे भेजे थे? उनको आपको थ्रेटिंग किया था क्या? नहीं नहीं मारने के लिए मैं डिफेंस लॉ से विनती करूंगा कि आपके जो क्लाइंट है उनको कटघर में पेश किया जाए। जी उसके पहले सर मैं वो मिस्टर लवेस को कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। यू कैन ओके। तो मिस्टर लवेश आप काम क्या करते हो? क्या हाँ बोलिए सर। काम क्या करते हो सर? हमको जो काम दे देते दे ना वो करता हूँ, क्रिमिनल छोड़ के, जो भी क्रिमिनल काम छोड़ के। जैसे क्या किया है आपने? जैसे चार है मैसेज बोला कि ये रिस्पांस आ गया वहाँ से, ठीक है, अच्छा फूड पार्सल है, नहीं तो पिज्जा डिलीवरी करो वो, नहीं तो गार्बेज कभी करता हूँ, कभी कभी माइनर बन जाता हूँ सर। अच्छा अच्छा, कितने टाइम से आप ये पैसे कमा रहे हैं? सर हमको एक दो महीना हो गया सिटी में आके, तब से हम चालू किए, टैक्सी का भी काम कर चुके हैं, टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस है इसलिए टैक्सी का भी काम कर चुके हैं सर। तो आप बोल रहे हैं आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास कपड़े भी नहीं है ठीक से, लेकिन आप नियॉन खरीदने के लिए ये 4-4.5 लाख रुपए निकाल लिए। सर एक चाहत होती है एक सपना होता है सर, कोई इंटेंशन था क्या नियॉन से? आपकी कभी चाहत होगी तो आप कैसे भी करके वो कम्प्लीट करने का दुखोगी। हाँ वो तो बिल्कुल, लेकिन मेरा जो एबिलिटी है मैं तो उस पे भी ध्यान रखूंगा ना सर। तो फिर कोई नहीं, ठीक है ना सर। तो आप बोल रहे हैं कोई भी कितना भी नहीं सर, दिल से अगर पाना होगा तो कोई भी कितना भी रुका दे हम हमारे जीत से हट देंगे। अच्छा इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? जो आपको बोला जॉब करता हूँ वो जॉब करके ईमानदारी के पैसे से सर कमाइए। अच्छा अच्छा, या हमारा अभी तक सर एक भी पुलिस केस वगैरह हमारा कुछ नहीं अभी तक। अच्छा तो आप बोल रहे हैं आप बिल्कुल अकेले थे जिस दिन पीडीएम से आप टेस्ट ड्राइव लिए थे, ठीक है? यस यस। बट आप उनके पास तो आई विटनेस है कि आपके आपके साथ आप और आपके दोस्त थे? कौन आई विटनेस है? तभी ये भी नहीं, इनके साथ खाली ये अकेले ही थे पीडीएम पे और कोई नहीं था। नहीं आपके साथ आपके दोस्त थे, आप दोनों गाड़ी पे बैठे थे? नहीं नहीं नो 100% रिफ्यूज कर रहे हैं, कोई नहीं था। रुको ओके इसका कुछ सबूत है कि इनके साथ? हाँ हाँ सर आई विटनेस है। मिस्टर हवी वो पर्सन किधर है?
आ रहा है क्या? मेरे मैसेज आ रहे हैं। कॉल किया, उनको कॉल किया, वो भी सिटिंग में। हाँ वो हेलो रोनी सर, मेरे को बात करने को टेक्स्ट कर देना। हाँ हाँ कर रहा हूँ, पूछ लेता हूँ। मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। रुको रुको रुको, नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, किया मैंने दो टेक्स्ट। जो बोल रहे हैं आप, आपको पता नहीं था 3 मिनट का? ठीक है, 3 मिनट पता नहीं। नहीं सर, अच्छा, उनको पता नहीं है। नहीं, हम थोड़ी रोज गाड़ी लेने जाते हैं। अच्छा अच्छा, वही आपको तो क्या यार, काला जादू। उनको तो बताना चाहिए ना। ये मैसेज ही नहीं जा रहे। तो क्यू मॉडल पे जाकर, उनको बताना चाहिए। 3 मिनट पे जाकर आपका टाइम खत्म हो गया। सीधा कॉल करेंगे, दिल पर खत्म हो गया। सीधा आगे 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 इसका मैसेज आ गया। लेकिन ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ये क्लाइंट हमारे, ये एम्प्लॉय मेरे क्लाइंट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार क्यू मॉडल सर, अगर उनका लाइफ थ्रेट है तब रूड ने सर, उसके बाद तो बाद में आएगा ना। मैंने किया तो आपके नंबर पे कीमती गाड़ी है, वो तो पहले सोचेंगे कि इसे कैसे सेफ कर दिया जाए। वही है ना, इस बात पे मैं आता हूँ। उसके पहले जो पुलिस वालों से, पुलिस वालों के ऊपर जो एसपीटी के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, मेरी चलती है, उसके बारे में कुछ खुल के बताइए। मैं सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। अच्छा, मैं कह सकता हूँ सर कुछ? कौन बोल रही है? नहीं, पहले एलएसपीडी के ऊपर कुछ कहना है। एलएसपीडी के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उसके बारे में डिफेंस लॉयर एंड प्रोग्रेसिव लॉयर को क्या कहना है? कि सर ऐसे तो रिपोर्ट्स बहुत आते हैं, क्योंकि जिस समय जब मैं इन मेरे क्लाइंट के साथ प्रोसीड कर रहे थे ना, वहाँ पे एक और क्लाइंट था, वो उनको बोल रहा था कि पुलिस का अगेंस्ट कंप्लेन बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पीडीएम के अगेंस्ट में था। मेरे को ये भी तो नहीं आते हैं ये मोटिकन वगैरह किया ना एलएसपीडी डिपार्टमेंट ने मेरे साथ। तो मुझे नहीं लग रहा कि सर ये सब जो भी बातें बोल रहे हैं ना, जो बाहर में पुलिस का अगेंस्ट में कंप्लेन करना, ये करना है, ये सारी बातें सच है। क्योंकि एक लॉयर कमांड समांड सब याद करनी पड़ेंगे, तो लड़कियों को बहुत याद रहती है। इनफैक्ट हम जब कल गए थे वहां पे, मेरे जो आई एविडेंस थे बजट बॉस, उनका एक गाड़ी इल्लीगल तरीके से सीज किया गया है। और मैंने जब थोड़ा अंडरकवर होके पीर बाबा बोल के एक ऑफिसर उनसे पूछा, तो हमको ये तक पता चला कि कोई इसका लॉक तक नहीं बना गया है कि व्हीकल सीज हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, आप डीओ से तो आपको परमिशन होना चाहिए। आप चेक कीजिए सर यहाँ पे कोई भी व्हीकल सीज हुआ है कि नहीं मेरे क्लाइंट के नाम पे। लेकिन सर इनका व्हीकल ऑलरेडी सीज हो चुका है। ये कल रात से मतलब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अपना गाड़ी छुड़वा पाए, लेकिन सर उनको कोई बात तक नहीं सुन रहा उनका। ये लोग भी पीछे देख रहे हैं आराम से। तो मैं सर यही बोलना चाहता हूँ। और सेकेंडली सर, जब मैं कल क्यू मॉडल को वहाँ पे था, बजट बॉस भी थे मेरे साथ और मेरे एक बॉडीगार्ड भी थे, वो और भी बहुत सारे बंदे थे। तो एवन सर ने ट्राई किया था मुझको फिजिकली हर्ट करने का, एक बाइक लेके मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया था। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर इन लोग को मतलब बाइक का परमिशन कहाँ से मिलता है अगर इन लोग को चलाने नहीं आता? क्योंकि सर वहाँ पे मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे। बजट बॉस को मैं फिलहाल जानता था, इसलिए मैंने उनको कॉल करके बुलाया हूं। और बाकी लोगों का तो सर मुझको जानना पड़ेगा, मैं पूरे टाइम पे नहीं है। ठीक है, इस बात पे मैं अमल करता हूं। लेकिन मैं ऑफिसर जिसके अगेंस्ट केस है, ऑफिसर शिवा, ऑफिसर एवन, ऑफिसर नागर, ऑफिसर शिवा का भी एक केस है। कि जब हम लोग कल गए थे ना वहाँ पे, मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर कोर्ट डीओजे नहीं रहता ना तो कोर्ट बंद रहता है। मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बैठिए, हम बोलने का मौका दिया जा रहा है। सर मैं भी वही पता मैडम। सर सर इनको बता दीजिए सर, ये भगवान वगैरह मुंह से निकालते बैठते सर, ये क्या होता है सर? मेरे और तू पे मेरे दोस्त का लाल टीवी देख के आते हैं हमारे पास। वो हम बाद में देखते हैं। लाल टीवी क्या होता है सर? मैं कुछ बोल सकता हूँ जो ये पुलिस? ओके, मौका दिया जाएगा आपको। हाँ तो सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं थोड़ा इनसे बातचीत कर लेता हूँ, मतलब। ओके सर, ठीक है। ऑफिसर ऑफिसर शिवा एंड ऑफिसर एवन, आप दोनों प्रेजेंट हैं। सर मैडम, माय नेम इज ऑफिसर शिवा। ओके, मैं हूँ ट्रूपर। मैं अपनी वर्दी पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। दिस इज ऑफिसर एवन, मैं भी अपनी कसम खाता हूँ वर्दी पे रख के कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, अगर मैंने कुछ भी झूठ बोला तो मैं अपना गला तक पा सकता। ऐसे कसम खाई जाती है। तो आपके ऊपर ये इल्जामत है कि आप लोग एक लॉयर को एंड एक सिविलियन को हरास किए थे ऑन पीडी, एंड उनका रिपोर्ट आप लोग रिफ्यूज कर रहे थे लेने के लिए, एंड उनको आप धक्के मार के पीडी से निकाल दे, क्या ये सच है? एब्सोल्युटली नॉट सर। इवन सर, आपके हिसाब से क्या केस हुआ था जरा मुझे बताइए।
सर पहले तो मैं यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई करना चाहूँगा सर, ये इनके वकील है ठीक है, और आपका नाम मैं भूल गया सर। मेरा नाम है मुन्ना माइकल, मेरा नाम है। क्या ये बात कर रहा है सर? क्लाइंट का नाम लवेश, मुझसे बात नहीं कर सर। सबसे पहले क्या हुआ पता है क्या सर, जज साहब ये दोनों बीच में ये वकील और उनके क्लाइंट आए पीडी में, गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए और ये पहले तो डिमांड करने लग गए कि हमें एक कमरा चाहिए तो जहाँ पे हम शांति से बात कर सके, मतलब ये लोग को आपस में शांति से बात करने का है, ये पीडी में आके कमरा मांग रहे हैं। तो सर ये चीज भूल गए कि वो पुलिस स्टेशन है, वो कोई होटल नहीं है जहाँ पे वो चेक इन करके कमरा ले सकते हैं। सेकेंड थिंग सर, मैंने उनको ये बोला कि आप एक काम करिए, आप कॉफी शॉप में जाइए, यू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, आप अपने क्लाइंट के साथ बात करिए और जो भी आप बातचीत करते हैं फिर आप पीडी पे आइए, हम रिपोर्ट लिख देंगे ठीक है सर। इनके साथ इनका और एक बंदा था, वो इनका ही फ्रेंड था, अगर ये डिनाई करेंगे तो ये झूठ बोल रहे सर। तो इनके साथ जो बंदा था सर, उनके ब्लू कलर के बाल थे ठीक है, वो ओके okay, इनके वो, साथ एक और भी थर्ड पर्सन थे सर, वो हमारा कोई फ्रेंड नहीं था, वो ऐसे हम लोगों को फॉलो कर रहा था सर। व्हेन आई स्पीक प्लीज वकील साहब को बोलिए अलाउ मी टू टॉक सर, बिकॉज आई डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन सर, सो अलाउ मी टू टॉक सर। ओके ये चीज नोट किया जाए। यस सर, पॉइंट टू बी नोटेड। और सर मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, तो ये जो इनके दोस्त थे सर, वो पीडी में इधर उधर भाग रहे थे, वो अपना ड्रिल मशीन पता नहीं कहाँ से लाए, फिर पागलों की तरह सर भाग ही रहे थे। तो मैंने इनको क्या बोला कि आपका क्लाइंट कौन है, तो इन्होंने इनका नाम लिया, इनके क्लाइंट का नाम लिया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग ने उनको एक कमरा भी दिया, मीटिंग रूम दिया सर। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उस दोस्त को मीटिंग रूम में लेके आए ठीक है। अब मैंने उनको पूछा कि सर आप और आपके क्लाइंट, आप दोनों को बात करना है, ये जो तीसरा बंदा है ये कौन है? तो इनका जो तीसरा बंदा जो था वो सुन ही नहीं रहे थे सर, तो हमें मजबूरन हमें लाठी निकालना पड़ा सर। हमने लाठी चार्ज किया नहीं, सिर्फ हमने उनको वार्निंग दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, ना ये वकील साहब कोऑपरेट कर रहे थे ना उनके क्लाइंट कोऑपरेट कर रहे थे, और वो बंदा तो सर मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था, सॉरी टू से सर, लेकिन जज साहब ऐसा लगा कि वो कहीं मेंटल हॉस्पिटल से डायरेक्टली पीडी पे आए, ये लोग उनको लेके आए हमें हैरेस करने के लिए। जहाँ तक रहा मेरे पास मैंने इनको जो मारा ठीक है, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे मुझ पे कि मैंने जो इनको मारा, सो ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने एक बार भी मेंशन नहीं किया इन्होंने मारा मुझको। नहीं नहीं आपको नहीं सर, आपके क्लाइंट को सर, मैंने आपका नाम लिया ही नहीं सर। तो आपके क्लाइंट जो बोल रहे हैं कि मैंने उनको मारा, सो सर देयर इज अ थिंग कॉल्ड मसल फ्लेक्स ठीक है सर, मेरे से मसल फ्लेक्स हो गया। मैंने उधर ही उनको हजार बार मैंने बोला सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और मेरा टोन सर यही था उनको, आप अपने क्लाइंट को पूछ सकते हैं क्या मेरा टोन चेंज था या नहीं। मैंने एकदम प्यार से शांति से बोला सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट वॉज अ मसल फ्लेक्स। मैंने उधर ही उनको बैंडेज दिया, उनको सर मैंने बिठा के पूछा भी कि आपको पानी चाहिए या अगर आपको मेरी तरफ से कुछ ज्यादा लग गई है तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऑफिसर शिवा वेट अ मिनट, क्या ऑफिसर शिवा ने आपसे माफी मांगी थी? लवेश सर नहीं, मैं मेरे वकील को लॉयर को लॉयर। हाँ बोलिए। तो मैं एक चीज, हाँ 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 सर, ऑफिसर एवन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पे कहा था कि दूसरा तीसरा जो बंदा था उसका एड्रेस कर लीजिए, वो हमारे साथ नहीं है, हाँ या ना? सो मैं बताता हूँ, अब आप नीचे जा रहे थे जब आपको मैंने कहा कि सर आप रूम ले लीजिए मीटिंग रूम, सो आप दोनों तो अंदर चले गए थे, जब तीसरा बंदा दूसरा अंदर तो आपने कहा कि हमने कहा सर ये कौन है, मैंने कहा कि सर ये हमारे साथ है। सर तीसरा बंदा जो था वो बजट बॉस था, और ये जिनका बात बोल रहे सर वो हमारे साथ नहीं था, मैंने इसी कारण आपको कहा था कि आप चाहे तो उसका अरेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके वेट, अपने देखो वही सर, और जिनके बारे में मेंटल हॉस्पिटल के बारे में शिकायत किया शिवर सर, वो हम लोग के साथ नहीं था सर। आपने वहाँ पे मुझे बोला था सर कि वो आपके साथ है, आपके क्लाइंट ने भी बोला था सर, मैंने बोला था जो तीसरा बंदा है वो आपके साथ बजट बॉस, वो हमारा एविडेंस है क्योंकि उन्होंने देखा था कि आप लोग पीडी के बाहर लड़ रहे थे। सर आपने बोला कि वो आपके साथ है, अभी वो आपका एविडेंस है या क्या है मुझे नहीं पता सर। मैंने सर इसके बारे में बोला था तीसरा बंदा, अब हम लोग दो है ना, तो तीसरा बंदा कौन हो? एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड सर, प्रोसीड। सर देखिए अभी मैंने दो मिनट पहले कुछ आपको बोला,
सर, दो मिनट पहले मैंने आपको कुछ बोला, तीसरे बंदे की बात आप तक आई नहीं थी, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने केस फाइल किया वो थर्ड पर्सन की बात इन्होंने की नहीं थी, तो ये लोग रॉन्ग है सर। थर्ड पर्सन मतलब मैं तब से कह रहा हूँ, मेरे साथ गया था, आप सर, की सर, सर, मैंने थर्ड या फोर्थ होता है, तीन को थर्ड कहते हैं और चार को फोर्थ कहते हैं सर। सर ये पूरा मिसगाइड कर रहे हैं सर, ये लाइबल कंटेंट के लिए आता है सर, ये झूठ बोल के सर उनको बोल दो प्लीज, झूठ को सच नहीं बदल सकते। जज साहब प्लीज इन्हें बोलिए, अगर मैं कठहरे पे खड़ा हूँ तो मैं बोलूंगा तो ये सुनेंगे, ये बोलेंगे तो हम डेफिनेटली सुनेंगे सर। सर ये बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, ये चिल्ला रहे सर, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। तो सर आपको यहाँ पे जज को और कोर्ट को यहाँ पे मिसगाइड किया हुआ है, तीसरे बंदे का नाम ही नहीं दिया था, हमारे पे डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया है। और सर और एक हमारे पे इल्जाम था कि हम सिर्फ पैसे वालों की सुनते हैं, करेक्ट? तो सर मैं आपको एक बताना चाहूँगा, इनके क्लाइंट जो है जो यहाँ पे सामने बैठे हैं सर, ये बोल रहे कि ये गरीब है, तो सर आप सोचिए कि जज साहब आप ही सोचिए कि इतने महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन में इन्होंने क्या काम किया सर, इनके पास कोई भी रिसिप्ट नहीं है, अगर कुछ काम करते जैसे हम पुलिस वाले हम जॉब करते हमें रिसिप्ट मिलती है सर, करेक्ट, सैलरी स्लिप, इनके पास ये सब तो कुछ होगा नहीं। दूसरी बात ये गरीब बोल रहे सर, इनके कान में देखिए सर, इनके कान में $20,000 का हेडफोन है सर, इनका एडिडास का शॉर्ट्स है सर, ये जो इन्होंने चड्डी पहनी है एडिडास की, इतनी महंगी शॉर्ट्स पहनी है, वुडलैंड के शूज पहने सर, गुची का टी-शर्ट पहना सर, ये सब मतलब आप समझ रहे सर, ये कपड़ों से कुछ नहीं होता सर, मेरे को कुछ बोलना है यहाँ पर, ये सब बोलने के लिए ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता किसी गरीबी को लेके मजाक करना चाहिए सर, क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट में बहुत मेहनत करके अपना कपड़ा ठीक से खरीदा और पहना भी है ना, तो मुझे नहीं लगता सर उसको लेके मजाक करना चाहिए। सर मैं गरीब हो सकता है लेकिन कमा के पूछना चाहता हूं सर, डिफेंस लॉयर कहां गए सर, वो इधर है सर, थोड़ा जज साहब ये जो वकील है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड वकील है, ये सिर्फ चिल्ला के झूठ को साबित करना चाह रहे जो कि दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि पुलिस वाले पे इल्जाम लगाना कि हम सिर्फ पैसे वालों की सुनते हैं, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग सर। आप सर, मेरी भी सिटीजन को बुला के पूछ सकते सर, मैं गवाही दे रहा हूँ ना सर, शिवा सर मैं गवाही दे रहा हूँ, मेरे को बोलने का मौका नहीं देंगे सर, ये किसी पे चढ़ गए आपके क्लाइंट, ये डॉक्टर 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 कहाँ गए सर, मेरी बात सुनो प्लीज, माय लॉर्ड वेट अ मिनट इधर पे एक बंदा जो बेहस हो गया है, वो डॉक्टर अनकॉन्शियस हो गए हैं डॉक्टर साहब, कहां से मेंटल ट्रॉमा में था इतना इनके साथ हुआ है, समझ में आता है, समझ में आता है डॉक्टर, प्लीज चेक हिम। और जज साहब यहां पे क्यों बैठे, सही से बैठे, कहां बैठे हो, क्या हो गया, वकील साहब ने आपको गुमराह किया, तीसरे आदमी का आपको नाम ही नहीं बताया सर। शिवा सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यस सर। सर ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पैसे वालों की सुनते हैं, आपने हमें क्या कहा था कि नहीं, इन लॉयर को आपने एक प्राइवेट रूम दिया था, हमारा भी सेम केस था, हमने भी आके बोला, आपने मेरे को बोला था कि सर आप कॉफी शॉप जाए वहाँ पर बात करें, तो हम वहाँ से निकले थे कि नहीं, आप लॉयर हैं या एक पीडीएम वर्कर हैं? सर मैं पीडीएम वर्कर हूँ सर, बट जो गलत हो रहा है सर मेरी आंखों के सामने, इनके लॉयर भी थे और सर इन्होंने सर। ये जो लॉयर है ना सर मेरे जो सामने खड़े है, इन्होंने सर हमें भी मिसगाइड किया, इन्होंने ये बोला था हमें कि हमें रूम अभी के अभी चाहिए क्योंकि हमने हाई कमांड से परमिशन लिया है सर, और इन्होंने हमें परमिशन लोग सर है क्या डिस्पैच पे शेलॉक सर है क्या डिस्पैच पे सर मुझे नहीं पता, अगर होगा तो सर उनको बुला लीजिए। नहीं सर इन्होंने कुछ भी रिटर्न में हमें बताया नहीं था सर, मैंने पूछ के भी तो सर हमें क्या पता था कि एलएसपीडी लोग अपने बीच ही में इतना कंफ्यूज रहते हैं कि वो लोग खुद अपने हाई कमांड पे शक करते हैं सर, इट्स नॉट अबाउट शक, कोई भी चीज का सर प्रूफ चाहिए, अगर आप झूठ बोले तो, और मैं आपसे आप प्रूफ दीजिए सर, आपको इतना मतलब सिटीजंस को उठाते हर दिन बेवजह फाइन काटते हैं, उसका प्रूफ क्या है? हां हां उठाते हो, एक्सक्यूज मी जज साहब ये देखिए सर, ये लोग उठाते कि नहीं आप लोगों को, नहीं लॉयर साहब आप कोर्ट को बहुत ही उलझा रहे हैं, आप सीधे सीधे बात करिए प्लीज सर, मैं तो तब से वेट कर रहा हूँ बात करने का लेकिन मुझको मौका कहाँ मिल रहा है सर,
सर एक बंद बात। सर ये दो घंटे से तो बात ही कर रहे थे। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर आप मेरे लर्नेड फ्रेंड को ये समझा दीजिए कि तीन का मतलब होता है तीसरा और फोर का मतलब होता है चौथा। मैं तब से मेंशन किया था कि मैं था, मेरा क्लाइंट था और बजट बॉस था। तो यहाँ पे सर मेरे हिसाब से तीन कंप्लीट हो जा रहा है मेरे हिसाब से। ऑफिसर आप लोग जा सकते हैं, मैं बजट बॉस को बुलाना चाहूंगा। ओके सर। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर इसमें। ओके सर आप उधर जाकर बैठे बैठे खड़े हो। ओके सर मैं बताता हूँ। ये भी सही है। एक मिनट सर, मेरा क्लाइंट बेहोश हो गया पूरा। सर सच्चाई सामने आती है तो बेहोश ही हो जाते हैं सर। मेरी आवाज आ रही है सर? अगर आप कोर्ट केस अटेंड कर लिया सर, ये बोल रहे हैं क्या, ये इनके जो क्लाइंट है ये बोल रहे हैं हमारे साथ, ये सिर्फ कोर्ट वालों की सुनते हैं, जो कोर्ट फ्रेंड में आते हैं सिर्फ उनकी सुनते हैं। जरा इनसे पूछिए हमें कोई रूम वगैरह इन्होंने प्रोवाइड करके दिया था शिवा सर ने? इन्होंने सर पॉइंट भी नोटेड सर, हमें सर वहाँ पर सिचुएशन पता क्या थी सर? वहाँ पर कोई दो तीन बंदे आके हल्ला कर रहे थे पीडी में। मैं उसका खुद सर आई विटनेस हूँ। वहाँ पर पीडी पे हल्ला कर रहे थे और वो जो ऑफिसर्स हैं वो उनको बाहर भगा रहे थे। तो ये बीच में आए, ये दोनों आए, ठीक है, आके ये बोल रहे हैं कि हमें कमरा चाहिए, हमने बात करनी है। अटेंड कर लो। इन्होंने खुद में करनी थी, मतलब खुद बात करनी थी। वो तो ऑफिसर शिवा ने कहा कि आप बाहर जाके बात कर लो। ये कौन है? उसके बाद जो इनका कमरे का प्राइवेट रूम का है वो मेरे को नहीं पता। हम बाहर बात कर रहे थे, मैं और मेरे लॉयर साहब। इनको मैं सिचुएशन सारी समझा रहा था कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो ऑफिसर सेवा आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि आप प्लीज कहीं और जाके बात कर लो, यहाँ पर आप नहीं ये बात कर सकते। हमने वहाँ से चले गए। सर पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर ये बंदा गलत है कि सिर्फ जो पीडी है वो सिर्फ कोर्ट वालों की सुन रहा है। सर ये पॉइंट टू बी नोटेड। अरे अरे सर हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड सर। और पॉइंट टू बी नोटेड। हां दूसरी बात सर, ये जो बंदा है, ठीक है, ये बंदा मेरे को पहले तो ये गाड़ी वाला सारा इंसिडेंट हो गया। सर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप इनसे कैसे तमीज से आए थे? हां क्या हुआ? आप इनको जो टाइम खत्म हो गए उनके उसके बाद आप इनको रास्ते पे धकेल दिया, ऐसा कैसे होता है? सर इन्होंने पता क्या कहा है, ये रास्ते में पता क्या कह रहे थे मेरे को? ये कह रहे थे गाड़ी से उतर जाओ, मैंने गाड़ी की स्पीड चेक करनी है, आप मैं और मेरा दोस्त गाड़ी लेके आते हैं, हमने देखना है किसकी स्पीड ज्यादा है। वहाँ पर सर मेरे को शक हुआ कि लवेश आ जाइए। हाँ जी ये सच है कि झूठ है कि आपने बोला था कि मैंने टाइम लैप्स लगाना है गाड़ी के साथ स्पीड चेक करना? आपका गला ठीक कीजिए। हाँ हाँ अभी आ रहा है आवाज़ ठीक? हेलो सर। हाँ तो कल इन्होंने जो ऑफिसर के रिपोर्ट लिखवाई, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बोला कि जो बंदा था जिन्होंने इनसे गाड़ी ली वो मेरा दोस्त है, ठीक है, और इनके जो मेन पीडी की कंप्लेंट लिखाने पहले हमने इनके मैंने वो बोल ये बोले कि जो बंदा है ना वो हमारा दोस्त है करके, और बोले कि इसका प्रूफ हमारे पीडीएम मैनेजर है उनके सामने मैंने बोला करके, ठीक है। और जब इनके पीडीएम मैनेजर जो है, जब इनके पीडीएम मैनेजर उनको बुलाया गया, ठीक है, तो वो बोले कि ऐसा मैंने बोला ही नहीं था, और उधर उतने खुद ने बोला कि ये झूठ बोल रहे करके। ये पॉइंट आप नोट कीजिए सर, कोई बात नहीं, वहाँ पे उन्होंने झूठ बोल दिया था। बोले थे कि आपका दोस्त आ रहे तो आप उनको गाड़ी से उतर जाने के लिए आप बोले थे? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं बोले। तो क्या मिस्टर हबीब आप इन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? सर आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे। मैंने आपको कहा कि इन्होंने कहा, इन्होंने मेरे को बोला गाड़ी से उतर जाओ, मेरे को गाड़ी की स्पीड चेक करनी है। सर मेरे को वहीं पर शक हो गया कि इन्होंने गाड़ी लेके भागना है मेरे से। तो उसके बाद मैंने फिर इनको कहा कि आपके 3 मिनट ओवर हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि गाड़ी से उतरो, हमने बात करनी है आपके साथ की, हमने नेगोशिएशन करनी है, बार्गेनिंग करनी है, गाड़ी से उतरो, हमने बात करनी है। मैं सर वहाँ पर कंफर्म हो गया था कि ये बंदा मेरे से गाड़ी लेके भागने वाला है। तो सर मैं मेरे को अपनी लाइफ थ्रेट था, गाड़ी तो फिर दूसरी बात है, सर मेरे को अपना थ्रेट था क्योंकि मैं अकेला था। देन मैं इनको बोला कि गाड़ी से हट जाओ, ये कहते गाड़ी से उतरो। मैंने कहा सर मैं गाड़ी से नहीं उतर सकता, हमें परमिशन नहीं है, हम गाड़ी से नहीं उतर सकते। देन ही से कि हमने हमारा रिफंड करो।
हमने कहा कि सर आप अगर आपको साथ में आना है तो साथ में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी के सामने आगे खड़े हुए, देन मैं इनको मेरे को गाड़ी रिवर्स लेना पड़ा और मैं वहाँ से सिचुएशन छोड़ के आ गया। ये बंदा मेरे को कह रहा था छोड़ के आप चले गए कहाँ? हाँ सर, सर मैं क्यू मॉडल के लाइक लोकेशन छोड़ के लोकेशन बोलना चाह रहा था। हाँ सर, लोकेशन छोड़ के वहाँ से गया। इनका एक बंदा था, ब्लू कलर के बाल थे, सेम हेयर स्टाइल था, ठीक है। ओके, पॉइंट मिस्टर हबीब के पॉइंट टू बी नोटेड। सर क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ? ये सर बोल सकते हैं। हम पहले से बोल रहे हैं कि उनके साथ एक आदमी था, तो ये लोग डिनाई करे, किंतु पुलिस बट पुलिस ऑफिसर ने बोला कि इनके साथ एक लोग आदमी था ब्लू बेल्ट के, तो ये पॉइंट नोट करना चाहिए। हां, इस पॉइंट पे नोट कर लेते हैं। वो आदमी का मैं बोल दूं, ठीक है? बाद में सर, रैंडम आदमी आ गया था, ठीक है, मैं बोल रहा हूं। आपके साथ क्यों आया था वो? नहीं, मेरे साथ नहीं आया था, सुनिए। हां, जब है ना पीडी पे चार पांच लोग थे, तभी उसमें से एक रैंडम आदमी आया था, ठीक है। तभी एक ऑफिसर को उसने मुक्का भी मारा था, जो ये बोल रहे, ठीक है। तभी वो ऑफिसर को हमने सीधा बोल दिया था, वो ऑफिसर को हमने सीधा बोल दिया था कि ये हमारा बंदा नहीं है, आप इनको अरेस्ट करो, फाइन मारो, कुछ भी करो, ये हमको पहचानता नहीं है। तभी सीधा बोल दिया था। आप ऑफिसर पीडी में जाके आप ये ऐसा कैसे डिमांड कर सकते कि पीडी आप पुलिस ऑफिसर आपको एक सेपरेट रूम दे बात करने के लिए? नहीं, सेपरेट रूम हमने कुछ नहीं डिमांड किया था सर, बस हमने बोला था कि यहाँ पे बहुत हमने भी नहीं, हमारे लॉयर ने बोला था, उनको पता है रूल्स कुछ तो। उन्होंने ये सर पॉइंट टू बी नोटेड। और सर इनकी जो बात है ना, इनकी ये जो बोल रहे थे, जो बंदा आया था हमारे साथ, कोई बंदा नहीं आया था पीडीएम के सर, ये तो बोला है आपको नहीं बोला गया था कि सेपरेट रूम के लिए कुछ? हमने कुछ बोला ही नहीं था सर। हाँ जी सर, आप थोड़ा चिल्ला के बात कर सकते हो शिवा सर? थोड़ा चिल्ला के बात कर सकते हो? ओके, इज इट बेटर नाउ? यस इट इज ओके नाउ। जज साहब, अभी मैं आपसे परमिशन मांगूंगा सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं बोलूंगा तो इन लोग सबको बोलिए शांत रहने के लिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा सर। ये केस यहाँ पे ही खत्म हो जाता है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी तक अपने लोगों को बुलाया नहीं भाई, इन लोग सर रुकिए, जितने भी एविडेंस लाए तो अपने लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट भी केस है। मैं तो मैकेनिक ये मैं सब लोग को शादी हो गई, हो रही है इसकी रात को। सर माय फ्रेंड इज गेटिंग एक्साइटेड सर। सर आप थोड़ा कूल डाउन रहिए। और नहीं सर, ये तो सर आपके साथ गलती हो रहा है ना। देखिए, हां मैं वही बता रहा हूं सर, मैं हूं यहां पर, जाता हूं शेयर करने के लिए। और सर शिवा सर एक एक बस पॉइंट बोलना चाहूंगा, जब भी शिवा सर बोलते हैं ना, ठीक है, तो तू बोलते कि ये गलत है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप डिसाइड नहीं कर सकते हो क्या गलत है और क्या सही है। हेलो मैडम, घर चलते हैं, मैं घर जाना है मुझे, मुझे घर जाना है। अरे दूर हटो, पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हो उसके? क्या हो गया है? अरे किससे शादी हो रही है? अबे खूबसूरत लड़की देखने के पहले आते हो, लड़की देखते ही करण सर पुलिस वाले को भी जाती है भाई। इधर देखे ना पीछे, अरे मेरी फ्रेंड है वो यार। ठीक है तो फिर अबे तुम्हारी भाभी है जो घर जा रही, जाने दो। करण से शादी हो रही है उसकी। कोर्ट केस कहाँ पे हो रहा है? तो जैसे ही Yes. और इनके वकील बोल रहे कि हाँ हमने स्पेशल रूम मांगा। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि स्पेशल रूम मांगा, मैंने बोला मुझे जगह बात करने के लिए जगह चाहिए सर। उसको स्पेशल रूम ही बोलते हैं सर। आपने खुद कहा है वो, आप मैं क्या बोला? जब तक आपके सामने ये लोग झूठ बोल रहे हैं ये वकील ऑब्जेक्शन सर, झूठ सच का फैसला तो हो ही जाएगा। लेकिन सर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लॉयर बना दीजिए, मैकेनिक बना दीजिए, वही खुद करेंगे शहर में सब। हम तो जॉब छोड़ के घर में बैठ जाते हैं। सर आपको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपने आपकी पढ़ाई बराबर नहीं की है सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। यस सर, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। नो जी, सर वरुण, मैं यहां पर बॉस को बोलना चाहूंगा, जो बजट बॉस को कटघरे में। हां सर, वो आने के पहले मैं बोलना चाहूंगा कि देखो मैं जो बात किया था रूम का, ठीक है, वो हमने नहीं बोला था। हमने मैं क्या बोला आपको कि हमने नहीं बोला, हमारे इन्होंने बोला है, ठीक है।
हमको नहीं पता रूम के लिए, हम इन्होंने बोला था ठीक है, और सेकंड हम जो तीसरा आदमी बोले तो ये आपने ये बोला था पुलिस ऑफिसर को आपको एक सेपरेट प्लेस चाहिए? नहीं हमने नहीं बोला था, हमने बोला ही नहीं था, हम अभी भी बोले हमने नहीं बोला था, हमारे लॉयर ने बोला था सर। ये झूठ बोल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, लॉयर ने बोला ही था, पूछिए लॉयर को सर। मैं तभी बोल रहा हूं हमें जगह चाहिए थी बात करने के लिए, जगह चाहिए बोला था लॉयर ने। ओके ठीक है सर, मैं बोलूं एक बार, क्लियर हो चुका है एक पॉइंट सर। इन लोग के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग है लॉयर और क्लाइंट। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। तो हम देख ही लिए ना आपको, सर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। कदम से सर आप नहीं बोल सकते प्लीज सर, डेकोरम यूज करिए एंड ठीक से यूज करिए, ऑब्जेक्शन ओनली फॉर लॉयर्स सर। तो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ पीडी के अगेंस्ट जो उनका कंप्लेन था वो बिल्कुल भी सच नहीं, बिकॉज लॉयर ने एक रूम मांगा था वो हमारा ऑफिसर देने के लिए इनकार किया, बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड। सर मुझे ऑफिसर एवन को बुलाना है, मीटिंग तो नहीं करना सकता, बजट बॉस को इसलिए बुलाना है, वो लोग को बुरा मान गया इसलिए ये कंप्लेंट ठोक दिया पीडी के अगेंस्ट। मैं ये बोलना चाहूंगा ओके कैप्टन सर, मेरा पास थोड़ा बहुत एविडेंस है, अगर आप ओके तो सर मैं ये पेश कर सकता हूं। ओके यस सर ऑब्वियसली। वो उनसे बात करना चाहती थी और थोड़ा 13 दिसंबर कदम था, थोड़े और बढ़ाने चाहिए थे। तो एक बंदे उसका नाम है सर मेरा ब्रेजा, जिसने कंप्लेंट दिया उसका गाड़ी चोरी हुआ था, गाड़ी का नाम था रेंज रॉवर। ओके आई विल चेक। लवेश सर उनकी गाड़ी चोरी किया था। किनकी? मेरा ब्रेजा का गाड़ी।